विजयनगर राज्य में बड़ी जोरदार ठंड पड़ रही थी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस ठंड की बहुत चर्चा हो रही थी। राज पुरोहित तथा चारे ने महाराज को सुझाया, महाराज यदि इन दिनों यज्ञ किया जाए तो उसका फल अति उत्तम होगा। आपको स्मरण करा दें, तथाचार्य ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि यज्ञ अनुष्ठानों के नाम पर राजा को ठगते थे और उनसे अधिक धन ऐंठ लेते थे। साथ ही अधिक सामग्री मंगवाकर कुछ सामग्री अपने पास रख लेते थे और बाकी बची हुई को हवन में प्रयोग कर लेते थे। इस पर राजगुरु तथाचार्य ने कहा कि यदि महाराज इस समय हवन कराया जाए तो हवन के धुएं से सारा वातावरण स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। दरबारियों ने भी इस पर अपनी सहमति जताते हुए राजगुरु के इस विचार में अपनी सहमति जताई और तथाचार्य की प्रशंसा की कि बड़ा ही उच्च विचार है राजपुरोहित जी। इस पर राजा भी सहमत हो गए और उन्होंने भी अपनी मंजूरी दे दी। राजा ने कहा, आप आवश्यकता के अनुसार हमारे राजकोष से धन प्राप्त कर सकते हैं। तथाचार्य के लिए धन ऐठने का यह सबसे सुनहरा अवसर था। तथाचार्य इसके पश्चात बोले कि महाराज यह महान यज्ञ 7 दिनों तक चलेगा, कम से कम 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तो वे हो ही जाएंगी। प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पहले मैं नदी के ठंडे जल में खड़ा होकर तपस्या किया करूँगा और देवी देवताओं को प्रसन्न करूँगा। और अगले ही दिन यज्ञ आरंभ कर दिया गया। इस यज्ञ में दूर दूर से हजारों लोग आते और ढेरों प्रसाद बंटता। पुरोहित जी यज्ञ से पहले सुबह सवेरे कड़कती ठंड में नदी के जल में खड़े होकर तपस्या किया करते थे और साथ ही बची हुई सामग्री को बेचकर धन कमा लेते थे। विजयनगर की जनता, दरबारी, राजा और रामा समेत सभी के सभी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि भाई कोई व्यक्ति इतनी कड़कती ठंड में इतने लंबे समय तक जल में कैसे स्थिर रह सकता है। लेकिन आपको बता दें, पंडित रामाकृष्णा राजगुरु के किसी भी मंसूबों से अनभिज्ञ नहीं थे। उन्हें उनके कपटों, उनके छलावे और उनकी चतुरता के विषय में सब कुछ ज्ञात था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि राजगुरु तथाचार्य अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालकर ऐसा कोई कदम तो उठा ही नहीं सकते। अवश्य ही दाल में कुछ काला है। इसी की पुष्टि करने के लिए पंडित रामाकृष्णा महाराज कृष्णदेव राय को अपने साथ राजगुरु की जहां पूजा चल रही थी उसी तालाब में ले गए और पीछे से खड़े होकर तथाचार्य को पूजा करते हुए देखने लगे। ठंड इतनी थी कि दांत किटकिटा रहे थे। ऐसे में राजगुरु जी को नदी के ठंडे पानी में खड़ा होकर तपस्या करते देख राजा ने तेनालीरामा से कहा, आश्चर्य है, अद्भुत है, ये तो कुदरत का करिश्मा है। इतनी कड़कती ठंड में भी हमारे राजगुरु जी राज्य की भलाई के लिए, उन्हें कितनी चिंता है, वो ये सब कर रहे हैं। आइए महाराज, जरा पास चलकर देखें राजपुरोहित जी की तपस्या को, रामा ने कहा। लेकिन राजपुरोहित तथाचार्य ने यह कहा है कि तपस्या करते समय कोई उनके पास न आए, इससे उनकी तपस्या में विघ्न पैदा हो सकता है, राजा ने कहा। इसके बाद रामा बोले, तो महाराज तब तक हम दोनों ही कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। जब राजगुरु जी की तपस्या समाप्त हो जाएगी और वो ठंडे पानी से बाहर निकल आएंगे तो फल और फूल देकर हम उनका सम्मान करेंगे। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीरामा का ये सुझाव पसंद आ गया और वो दोनों एक ओर बैठकर राजपुरोहित तथाचार्य की तपस्या के खत्म होने का इंतजार करते रहे। काफ़ी समय गुजर गया लेकिन राजगुरु ने ठंडे पानी से बाहर निकलने का नाम तक नहीं लिया। तभी रामा बोल उठे, अब समझ में आया, लगता है ठंड की वजह से राजपुरोहित जी का शरीर अकड़ गया है, इसलिए शायद इन्हें पानी के बाहर आने में कष्ट हो रहा है। इसके बाद तत्कालीन महाराज कृष्णदेव राय ने रामा को आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द राजपुरोहित जी को नदी के बाहर निकाल करके लेकर आए। रामा नदी की ओर गया और राजपुरोहित जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच लाया। राजपुरोहित के पानी से बाहर आते ही राजा हैरान हो गए, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने पंडित रामा से कहा कि रामा जी ज़रा देखिए, इनकी कमर के नीचे का सारा शरीर नीला हो गया है। तेनालीरामा हंसकर बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है महाराज, ज़रा देखिए तो सही,
राजगुरु जी ने सर्दी से बचने के लिए अपनी धोती के नीचे नीले रंग का जलरोधक पाजामा पहन रखा है। राजा कृष्णदेव राय हंस पड़े और तेनालीरामा को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। पुरोहित दोनों को जाते हुए देखता रह गया।